गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर ऑफ कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कूलिंग टावर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। इस क्लासिफिकेशन का हमारा बेसिस रहेगा कि जो एयर का ड्राफ्ट है वो हमने किस तरीके से क्रिएट किया है। बेसिकली कूलिंग टावर में एयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं। सो, आज के जो लेक्चर में बेसिकली हम वो मैकेनिज्म के बेस पे कूलिंग टावर्स को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है हम उसके बारे में समझेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर ऑन द बेसिस ऑफ एयर फ्लो जनरेशन मेथड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एयर किस तरीके से आपके कूलिंग टावर में जनरेट की जा रही है उसके बेसिस पे हमारा ये क्लासिफिकेशन रहता है। सो फ्रेंड्स, इसको बेसिकली हम दो मोड्स में आपका डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला होता है नेचुरल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट का मतलब जहां पे नेचुरल तरीके से आपका एयर का मूवमेंट होता है। और सेकंड होता है फ्रेंड्स आपका मैकेनिकल ड्राफ्ट। मैकेनिकल ड्राफ्ट का मतलब जहां पे एयर का मूवमेंट करने के लिए हम कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम आपको इंडिकेट करता है कि बेसिक क्लासिफिकेशन होता है नेचुरल ड्राफ्ट, जहां पे आपका नेचुरली एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, और दूसरा होता है आपका मैकेनिकल ड्राफ्ट, जहां पे फोर्सफुली हम कोई बाहर से और कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के हम एयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके क्लासिफिकेशन को, मैकेनिकल ड्राफ्ट क्लासिफिकेशन को अगेन हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है मेरा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और एक होता है मेरा फोर्स ड्राफ्ट। फ्रेंड्स, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट ये मैकेनिकल ड्राफ्ट के फर्दर दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, इन डिफरेंट टाइप के कूलिंग टावर के क्लासिफिकेशन को मैं वन बाई वन करके अपने आगे की स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। सो फ्रेंड्स, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के केस में आप देखिए इस तरीके से आपका शेप रहता है आपके कूलिंग टावर का। ये स्पेशली डिजाइन शेप इसलिए रहता है ताकि ये एयर के मूवमेंट को आपका हेल्प करे। फ्रेंड्स, इस केस में आप ये देखेंगे कि यहां पे एयर को मूव करवाने के लिए कुछ भी नहीं लगा रहता है। एयर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, एयर यहां से इन करती है और यहां से एयर आपकी आउट होती है। ये मूवमेंट बेसिकली होता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, बिकॉज यहां पे आपका हॉट वाटर है। जैसा कि मैंने आपको कूलिंग टावर के पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि यहां पे आपका हॉट वाटर है और एयर इसके कॉन्टेक्ट में आती है। बाहर की जो एयर है फ्रेंड्स, वो एयर ठंडी होती है, वो एयर इसके कॉन्टेक्ट में आती है तो एयर आपकी गर्म होगी। तो क्या है, गर्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ, बिकॉज जिसकी भी डेंसिटी कम है वो मटेरियल हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी एयर गर्म होगी, ये एयर आपकी ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो ये क्या है, एक निगेटिव ड्राफ्ट का जोन क्रिएट करेगी और बाहर की ये ठंडी एयर को अंदर की तरफ सक करेगी। सो फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के केस में आपका जो भी मूवमेंट होता है वो बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है, बिकॉज जो भी एयर आपकी हॉट वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी उसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी। जैसे ही उसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वो एक निगेटिव ड्राफ्ट का जोन क्रिएट करेगी, जो बाहर जो भी आपकी ठंडी एयर प्रेजेंट है, जो भी आपकी कोल्ड एयर प्रेजेंट है, वो उसको अंदर की तरफ सक करेगी। इसको नेचुरल ड्राफ्ट किसलिए बोलते हैं, बिकॉज इसमें एयर का मूवमेंट कराने के लिए हम कुछ भी एपरेटस नहीं यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में देखिए, ये मेरा हॉट वाटर है जो आ रहा है, ये मेरी नोजल्स हैं, स्प्रे की नोजल्स जहां से हॉट वाटर स्प्रे होता है। ये मेरा बेसिकली फिल्स दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इन फिल्स का काम रहता है आपका हॉट वाटर और जो एयर एंटर कर रही है उसके बीच में एक कॉन्टेक्ट एरिया प्रोवाइड करना, ताकि हीट ट्रांसफर आपको मैक्सिमम मिले। यहां से आपका सक्शन एयर आपकी सक की जाती है। ये आपका जो भी ठंडा पानी ठंडा होकर आता है, ये उसको कलेक्ट करने का बेसिन है, और ये आपका टॉप है जहां से आपका एयर आपकी आउट करती है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी बेसिक वर्किंग है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की। ये फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे तो ये आपके ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स होते हैं। ये क्या रहते हैं, मान लीजिए आपके एयर के साथ में कुछ वाटर वेपर्स आपके अगर ऊपर की तरफ, मतलब कुछ पानी भी आपका कैरी ओवर होगा, तो ये क्या करेगा, उसको वहां पे ही गिरा देगा। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स का बेसिकली ये काम होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है मेरी फ्रेंड्स मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स बेसिकली वो कूलिंग टावर होते हैं जिसमें एयर का मूवमेंट करवाने के लिए हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज करते हैं। इसमें फ्रेंड्स, हम पहला क्लासिफिकेशन अपना बात करते हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, इस केस में आप देखिए यहां पर एक फैन लगा हुआ है। इस फैन, ये फैन क्या करता है, ये बाहर से एयर को, बाकी सारा का सारा अरेंजमेंट आपका सेम रहेगा जैसा कि आपने नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के केस में देखा, उसमें और इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा।
बस फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये देखिए, ये जो आपका एयर को मूवमेंट कराने के लिए आपका इस चैम्बर में बेसिकली आपका एक फैन लगाया जाता है। इस फैन का काम ये रहता है, ये बाहर से एयर को सक करता है और एग्जिट की तरफ इसको मूव करवाता है। इसीलिए इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, बिकॉज यहाँ पे एयर के मूवमेंट को फोर्सफुली बाहर से अंदर की तरफ एयर को हम फोर्सफुली मूव करवाते हैं, इसीलिए हम इससे नाम देते हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। बाकी सारा अरेंजमेंट आप देखिए फ्रेंड सेम है, ये हॉट वाटर की लाइन आई है, ये आपकी स्प्रे नोजल्स हो गई, इसके बाद में ये आपका डिफ्ट एलिमिनेटर्स हो गए, ये टॉप का आपका पार्ट हो गया जहां से आपकी हॉट एयर आउट हो रही है, ये आपकी स्प्रे नोजल्स हो गए, ये आपका फाइनली जो कंडेंस्ड वाटर है वो यहां पे आपका जमा हो जाता है, और फ्रेंड्स ये आपका पंप लगा हुआ है जो इसको नीचे ले जाके कलेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली वो आप ये याद रखिएगा कि हमारा जो फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर रहता है इसमें बेसिकली जो एयर का मूवमेंट होता है वो एक फैन की हेल्प से करवाया जाता है, जो हमें बेसिकली नेचुरल ड्राफ्ट के कंपैरिजन में फोर्स ड्राफ्ट जो हमारा रहता है वो काफी बेटर हीट ट्रांसफर हमें देगा, हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर हमें काफी अच्छा मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हम नेचुरल ड्राफ्ट के कंपैरिजन में हम फोर्सफुली एयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारी एयर की वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। सो फ्रेंड्स फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर इज ऑलवेज बेटर, हैज अ बेटर परफॉर्मेंस देन नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, मैकेनिकल ड्राफ्ट में हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फ्रेंड्स ये मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में भी बताया था, आप इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के केस में देखेंगे तो ये देखिए ये टॉप में आपका एक फैन दिया हुआ रहता है, ये फैन आपका हाई वेलोसिटी से मूव करता है। सो जैसे ही ये फैन आपका मूव करेगा सो फ्रेंड्स एज पर बर्नौली थ्योरम जहां पे भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है आपका प्रेशर डिक्रीज होता है। सो फ्रेंड्स यहां पे टॉप में आपका प्रेशर जो है वो ड्रॉप होगा, एक निगेटिव वैक्यूम का जोन क्रिएट होगा या फिर एक निगेटिव सक्शन ड्राफ्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा नीचे से एयर को अपनी तरफ ये मूव करेगा। ये देखिए ये आसपास में जो भी एयर प्रेजेंट है ये उस एयर को अपनी तरफ मूव करेगा। तो फ्रेंड्स यहां से आप देखेंगे तो ये हॉट वाटर आपका आ रहा है, ये हॉट वाटर यहां से स्प्रे नोजल से स्प्रे होगा, नीचे से आपकी एयर आएगी और ये बेसिकली आपकी फिल्स लगी हुई है जहां पे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे और ये एयर आपकी टॉप से बाहर की तरफ निकल जाएगी। नीचे आपका ये कोल्ड वाटर का बेसिन लगा हुआ है जहां पे आपका ठंडा पानी कलेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स याद रखिए इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के केस में बेसिकली आपका जो फैन होता है वो टॉप पे लगा रहता है, इसका काम रहता है बेसिकली ये जब हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो एक निगेटिव ड्राफ्ट या फिर एक निगेटिव सक्शन का जोन क्रिएट करता है जो आजू बाजू की एयर को इंड्यूस करता है, फोर्सफुली अंदर की तरफ मूव करवाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर। सो फ्रेंड्स होप आपको मैकेनिकल ड्राफ्ट में दो जो वेराइटीज मैंने आपको बताई फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट इनके बीच में आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फोर्स ड्राफ्ट के केस में फैन आपका बिल्कुल बॉटम में लगा हुआ रहता है जो एयर को बाहर से खींच के अंदर की तरफ मूव करवाता है, और इंड्यूस ड्राफ्ट के केस में फैन आपका कूलिंग टावर के टॉप पे लगा रहता है। ये मेन डिफरेंस होता है आपका फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर और इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर के केस में, जो दोनों ही आपके मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स के एग्जांपल है। फ्रेंड्स इस स्लाइड में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे नेचुरल ड्राफ्ट वर्सेस मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के केस में आपका जो एयर का मूवमेंट होता है, फ्रेंड्स गौर से सुनिएगा, जो आपका एयर का मूवमेंट होता है वो बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है, बिकॉज आपका जो भी एयर हॉट वाटर के कॉन्टेक्ट में आती है उसकी डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती है तो वो एयर आपकी ऊपर की तरफ मूव करेगी और बाहर से वो ठंडी एयर को अंदर की तरफ मूव करवाएगी, बिकॉज वहां पे जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो एक आपका निगेटिव सक्शन वाला जोन क्रिएट करेगी। बट इन केस ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स आपका जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली आपके जो फैन लगे रहते हैं उन फैंस की वजह से आपका मूवमेंट होता है। सेकेंड फ्रेंड्स जो आपका नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है ये बेसिकली काफी ज्यादा स्पेस लेता है, बट जो आपका मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है ये उसके कंपैरिजन में काफी कम स्पेस लेता है। थर्ड वन जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स होते हैं मेरे ये लेस एफिशिएंट होते हैं, लेकिन जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स होते हैं मेरे ये इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। बट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मेरा ये जो आपका नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है ये आपका चीपर होता है, लेकिन जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है ये इसके कंपैरिजन में काफी कॉस्टली पड़ता है। एंड फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जहां पे भी हमें लेस रेफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट्स है, मींस जहां पे भी हमें आपको हीट ट्रांसफर कम चाहिए, जहां पे भी आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम चाहिए वहां पे बेसिकली हम
या फिर जहां पे भी आपका हीट लोड कम है, आप जिस भी टर्म्स में समझना चाहे, जहां पे भी आपका हीट लोड आपके सिस्टम का कम है, आपके रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट्स कम है, वहां पे बेसिकली हम यूज करते हैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। बट फ्रेंड्स, जहां पे हमारे रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा है, वहां पे हम हमेशा मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर ही प्रेफर करते हैं। जो आपके नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स होते हैं, ये फ्रेंड्स जनरली काफी बड़ी ओपन स्पेसेस में लगाए जाते हैं, लेकिन जो आपके मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स होते हैं, ये आप कहीं पे आप किसी छोटे से एरिया में आप इसको लगा सकते हैं। इसके लिए उतनी ज्यादा लार्ज स्पेस की आपकी जरूरत नहीं रहती है। सो फ्रेंड्स, होप आपको नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली इतना ही। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम डिफरेंट टाइप ऑफ कूलिंग टावर्स के एक और क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, जो बेसिकली होगा आपका उसमें जो हॉट वाटर और जो एयर का मूवमेंट है, इन दोनों के मूवमेंट के पाथ के बेस पे हम ये देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली पाथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतने ज्यादा मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।